Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing Redox and this is a lecture number 5. इस पांचवी लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग बात कर रहे थे टाइप ऑफ रिडक्शंस की, और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिडक्शंस में पहले हमने बात कर रखा है कम्बिनेशन रिएक्शंस की, और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? हमने दो तरह के रिएक्शन की पहले बात कर रखी है, एक कम्बिनेशन रिएक्शन है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. अब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करनी है. तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक चीज को हटाकर उसकी जगह खुद जाकर के बैठ जाना, ये है डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि एक मेटल के कंपाउंड को किसी दूसरी मेटल से रिएक्शन कराने के बाद वो पहली मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह पे जाकर बैठ जाता है, उसके साथ कंपाउंड बना लेता है और पहली मेटल को फ्री कर देता है. यानी एक फ्री मेटल जाकर के किसी मेटल कंपाउंड से रिएक्शन करने के बाद उस मेटल कंपाउंड की मेटल की जगह खुद जाकर के कंपाउंड बना लेता है और उसको अलग कर देता है, डिस्प्लेस करता है, उसकी जगह पर जाकर के बैठ जाता है. जैसे किसी नौकरी पेशे में जाकर के एक आदमी की ट्रांसफर होती है, दूसरा आदमी जाकर उसकी जगह पर चार्ज ले लेता है, बिल्कुल. और काम वैसे ही चलता रहता है, पहले आदमी सिर्फ वहां से रिलीव हो जाता है और दूसरा आदमी उसकी जगह पर काम करने लग जाता है. बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी मेटल का एक कंपाउंड होगा, उसके साथ एक फ्री मेटल का हम रिएक्शन कराएंगे. तो ये जो फ्री मेटल होगा ये पहले मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और जा करके वहां पे खुद बैठ जाएगा. तो जो फ्री मेटल होगा वो मेटल के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, पहले तो ये फ्री मेटल है और फ्री मेटल आपको पता है कि जो भी नेचर में फ्री एग्जिस्ट कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है. लेकिन जब मेटल के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि मेटल का जो कंपाउंड होता है वो दूसरा जो पार्ट है वो है एनायंस, और एनायंस क्या होते हैं, निगेटिव्स होते हैं. तो निगेटिव्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी उनकी होती है, उनको इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्जेज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी होती है. तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला किसे पसंद आएगा, कौन पसंद आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. इसका मतलब जो फ्री मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जो दूसरा का मेटल लूज कर रहा है, तो मेटल सॉरी जो ये है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, प्लस होंगे. तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका पहले जब फ्री था तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो था, और जब ये बढ़ेगा किसी कंपाउंड के साथ जाकर रिएक्ट करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा. ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ही क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने से ऑक्सीडेशन हो रहा है. लेकिन ये काम क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. तो दूसरे जो एटम है वो रिड्यूस होता क्यों है, जैसे आप किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं, समझिए कि आपका कोई दोस्त है और दोस्त है, दोस्ती हो रही है, और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आपको आपका दोस्त को किसी दूसरे से दोस्ती हो गई और उसको आपको रिप्लेस कर दिया, वहां से रिप्लेस कर दिया आपको, उसने डंप कर दिया और दूसरे से जाके दोस्ती कर ली. तो दूसरे से दोस्ती क्यों की, या तो वो बेटर लुकिंग होगा, या ज्यादा हैंडसम होगा, या ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, या ज्यादा पैसे वाला होगा, कुछ ना कुछ तो करेक्टरिस्टिक होगी. तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है जिस मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके मुकाबले जिस मेटल से डिस्प्लेस कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज्यादा होती है. इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन यानी पैसा खर्च करने, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब पैसा खर्च करना, ये समझ लीजिए. तो एक आदमी जो पैसा खर्च कर रहा है 100 रुपया, उसकी जगह पे दूसरा आदमी खर्चा कर रहा है 200 रुपया, तो आपको 200 रुपया ज्यादा खर्च करने वाला पसंद आएगा ना, ज्यादा पैसा खर्च करने वाला पसंद आएगा,
कि भाई चलो ये तो पैसे देखता नहीं है, खूब पार्टी करता है, खूब खिलाता है, खूब घुमाता है, चलो इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, बेहतर है, उसको डंप करो जो पैसा कम खर्च करता है, थोड़ा कंजूस टाइप का आदमी है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एबिलिटी होती है उसके मुकाबले जिससे डिस्प्लेस होता है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। आइए देखते हैं कैसे होता है और उसको ये इस प्रकार से डिस्प्लेस कर देता है। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। सो हम बात करने वाले हैं अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करने वाले हम लोग। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन अ मेटल कंपाउंड react with free metal मतलब जिसका कोई पहले से oxidation number नहीं हो, जो nature में free पाया जाए, with free metal मतलब natural metal ये कह सकते हैं, या uncombined metal जो पहले किसी के साथ combined नहीं है, uncombined metal, ठीक है, फ्री मेटल, देन दिस मेटल डिस्प्लेस्ड द मेटल इन द कंपाउंड। अब इसका क्या उपयोग है, कैसे डिस्प्लेस करता है, जरा एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है, कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के एक सॉल्यूशन में अगर हम जिंक से रिएक्शन कराएं, जिंक जो है वो सॉलिड है, तो क्या बनेगा, अब ये कॉपर सल्फेट के रिएक्शन से कराएं तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर जो है वो रिलीज हो जाएगा, यहां बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर जो है वो रिलीज हो जाएगा। यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जरा देखिए, जिंक तो है नेचुरल में पाया जा रहा है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये आपको पता है, इसका होता है कितना, 2, -2, तो -2 × 4 -8 और ये पूरा होना चाहिए क्या, पूरा 0 होना चाहिए, तो ये -2 + 2 है तो ये क्या हो जाएगा +6 और ये ऑक्सीजन का क्या होता है -2, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है शुरुआत में। अब जब ये कॉपर यहां से रिलीज होगा तो ये फ्री हो जाएगा, तो फ्री हो जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 0 और ZN का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +2, ये सल्फर का तो 6 है, ये ऑक्सीजन का -2 है, ये +6 - 2 ये है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी, तो कॉपर हो गया फ्री, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पहले +2 था अब 0 हो रहा है, जबकि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 था अब +2 हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर जबकि कॉपर का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी जिंक जो है यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर रहा है, घटा रहा है, कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और अब ये जो सल्फेट है ये कॉपर को छोड़कर जिंक के साथ जाकर के चिपक जाता है, जिंक के साथ जाकर के कंबाइंड स्टेट में एक कंपाउंड बना देता है, जिंक सल्फेट नाम का कंपाउंड बन जाता है और कॉपर को रिलीज कर देता है। यही बात हम समझाने की कोशिश करें कि ऐसा होता क्यों है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये जाकर के इसके साथ सल्फेट जो है वो जिंक के साथ कंपाउंड बना लेता है और कॉपर को छोड़ देता है, जिसका साथ इतने दिनों तक था, चाहे जितने समय से था, जितने समय से कंपाउंड थे, वो क्यों इसका साथ छोड़ करके और इसके साथ चला जाता है।
ऐसा ये समझ लिए कि जिंक जो है वो ज्यादा पैसा खर्च करने वाला है, यानी जल्दी से पैसा रिलीज करने वाला है। यानी जिंक जो है, अब यहाँ पैसे का टर्म नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिलीज करने की एबिलिटी रखता है और आसानी से रिलीज करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए जिंक जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में आसानी से इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी है, उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा बेहतर है कॉपर के मुकाबले, इसलिए सल्फेट जो है वो जिंक को पसंद करने लगा और सल्फेट जो है वो जिंक को पसंद करने लगा और कॉपर को डंप कर दिया। तो इस प्रकार से कॉपर फ्री हो गया। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा? इसका उपयोग इस तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जब मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मेटल, ये अब मेटल का ओर हो सकता है, इसमें से ये जो है इम्प्यूरिटीज, मान लीजिए हमें सिर्फ कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है तो हमें कॉपर निकालना है, तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम मेटल का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है, अब यहां हम लॉजिक लिखे हैं, सिंस जिंक हैज मोर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू कॉपर, देयरफोर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड जिंक रिप्लेस्ड किसको? कॉपर। ठीक है, जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कॉपर का, जिंक का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इंक्रीजेज, so it is oxidized, and since oxidation number of copper is decreases from what were +2 to 0, therefore कॉपर इज रिड्यूस्ड एंड हु रिड्यूस दिस? जिंक रिड्यूस दिस, बिकॉज ऑफ जिंक दिस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, सो जिंक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर वी कैन से जिंक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कॉपर। This process is used for extraction of metals from its ore, मतलब जिसमें impurities मिली होती है, right ना? तो उसमें से extraction करने के लिए हमें ये process displacement reaction हम इस्तेमाल करते हैं usually, और इस तरीके से metal का purification किया जा सकता है, extract pure metal from this। तो free state में जब होगा तो ये कंबाइंड करेगा। एक बात अभी तक हमने ये सीखी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन वन फ्री मेटल, जो फ्री में है, जैसे कहीं से आया वो फ्री है
और वो क्या करेगा, जो फ्री आदमी होगा वो खुराफात करेगा। वो खुराफात करेगा क्या, जैसे कोई लड़का फ्री है तो दूसरे की क्या करेगा, गर्लफ्रेंड को पटाएगा। तो दूसरे के गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए क्या करेगा, ज्यादा पैसा खर्च करने वाला होगा, ज्यादा बढ़िया देखने में होगा, तो क्या करेगा, दूसरे की गर्लफ्रेंड को पटा लेगा लाइक दिस। तो इस तरीके से, और दूसरी गर्लफ्रेंड उनसे इंप्रेस हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि एक जो मेटल फ्री है वो दूसरे का जो कंबाइंड स्टेट में है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये उसको डंप कर देगी, लड़की वो जो पहले वाला लड़का है उसको डंप कर देगी, और ये बेटर लुकिंग और हैंडसम लड़के के साथ जो है वो फिर से दोस्ती कर लेगी। तो लाइक दिस, इसी तरह का यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक फ्री मेटल किसी मेटल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके पहले वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है। और जो पहले लड़का जो जिसकी गर्लफ्रेंड थी वो अब क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, और ये जो है वो क्या हो जाता है, ये उसके साथ दोस्ती कर लेता है। बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पर भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए कुछ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की चर्चा करते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जांपल, ताकि कहाँ कहाँ डिस्प्लेस हो रही है और कैसे कैसे डिस्प्लेस हो रही है इसको सीखते हैं, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और से रिएक्शन लेते हैं। अब देखिए, क्रोमियम ऑक्साइड जो है Cr2O3, इसको अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करें कुछ टेम्परेचर दे करके, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, और फिर क्रोमियम इसमें क्या हो जाएगा, फ्री क्रोमियम जो है वो फ्री हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेता हूं, तो यहाँ Al2, इसका मतलब यहाँ 2 Al चाहिए, और क्रोमियम भी इधर 2 है, तो इधर 2 क्रोमियम फ्री हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है इसकी 2, तो 2 होने से -2 × 3 -6, और ये +6, यानी इसका क्या होना चाहिए +3, इसका क्या है -2, ये क्या है 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है इसका +3, इसका क्या है -2, इसका क्या है 0। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, ये तो -2 ही है, ये +3 और ये 0। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है इस क्रोमियम को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, उसको हटा के और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ मिला लेता है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। ये इसकी गर्लफ्रेंड है और ये एल्युमिनियम जो है वो इसके साथ चला जाता है और ये इसको रिप्लेस कर देता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और यहाँ एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्रोमियम की घट रही है तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एल्युमिनियम काम कर रहा है, क्योंकि क्रोमियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। और एग्जाम्पल देखते हैं, टेल्यूरियम क्लोराइड Cl4, ये Cl है, थोड़ा सा आप सब लिखें Cl4, टेल्यूरियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम करें मैग्नीशियम से, तो इसको भी करने पे क्या होता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, और यहाँ पे MgCl2 और प्लस टेल्यूरियम जो है वो फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है MgCl2 2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्लोरीन यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लोरीन 4 करने के लिए इसको क्या करना चाहिए, क्लोरीन तो 4 है ही, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है तो इधर भी मैग्नीशियम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अब ये पूरा का पूरा जो है बैलेंस इक्वेशन हो गया। यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी को अलग सिंबल से हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ये वैलेंसी जो है इसकी कितनी है, -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, और इसका क्या हो जाएगा तब +4, +4 से ये क्या हो रहा है 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है तो ये रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे इसकी क्या है -1, तो -2 हो गया, और इसका क्या होगा +2, तभी ये -2 + 2 क्या हो जाएंगे, वैलेंस। इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ के +2 हो गया, इसका +4 से घट के 0 हो गया, एक ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ मैग्नीशियम जो है टेल्यूरियम को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। एक और रिएक्शन लेते हैं, वेनेडियम ऑक्साइड को अगर हम रिएक्शन करें कैल्शियम के साथ, तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वेनेडियम जो है इसमें फ्री हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये हो रहा है।
इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बताइए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो ये 10 हो जाएगा, चूंकि ये +10 होना चाहिए तो ये +5 हो जाएगा, +5 से क्या मिल गया 0। अब कैल्शियम को हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड यहाँ पे 5 है, कैल्शियम ऑक्साइड ये बनेगा CaO, ऑक्साइड यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना, 5 ऑक्साइड होना चाहिए, और वेनेडियम इधर 2 है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब कैल्शियम इधर 5 है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, बैलेंस हो गया। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था 0, और 0 से बढ़ के यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +2, क्योंकि ये है -2। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, इस तरह से वेनेडियम जो है वो रिड्यूस हुआ, कैल्शियम ज्यादा हैंडसम है वेनेडियम के मुकाबले, इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसलिए ये वेनेडियम को डिस्प्लेस कर देगा और ऑक्सीजन के साथ अपने कंपाउंड बना लेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल में आप यही देख पाए हैं कि एक फ्री मेटल दूसरे मेटल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके उसको पहले वाले को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पर अपने जाकर के कंपाउंड बना लेता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, है ना। तो ये जो अभी तक हमने बात की है, इन सब में क्या कॉमन चीजें थी कि एक मेटल कंपाउंड में से मेटल को डिस्प्लेसमेंट किया, और मेटल को डिस्प्लेस किया तो इसको हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, यानी इसको हम क्या कहेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारे के सारे जो हैं, इसको आप चाहें तो एक नया नाम दे दें कि ये क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पूरा नाम इसका दे सकते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है ना। ये पहला टाइप का हो गया कि ये पूरा का पूरा जो है ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, ऑल दीज आर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो क्या नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जब आपने मेटल की बात कही तो ऑफकोर्स नॉन मेटल की बात ना करें तो नाराज हो जाएगा, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है क्या, यस होता है। तो दूसरा पार्ट इसका हम कह सकते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या बात करनी हमें, यूजुअली नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की, हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो हम उसमें हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, और बहुत रेयर केसेज में ऑक्सीजन के डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। सो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन आप लिखिए, टेक्स प्लेस when hydrogen displaced from a compound, right, but in some cases oxygen also displaced from compound, in that case also called what, in some cases oxygen also displaced from compound, then such reactions are called non-metal displacement reaction, non-metal displacement reactions, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जहां पे हाइड्रोजन या तो डिस्प्लेस हो रहा है, या फिर क्या डिस्प्लेस हो रहा है, या तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो या ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ये दोनों में से कोई एक डिस्प्लेस हो तो हम उसे कहेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कुछ एग्जाम्पल इसके लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि कैसे ये नॉन मेटल या मेटल डिस्प्लेस हो रहा है। ऑल अल्कली मेटल्स, पहला चीज यही लिखते हैं, ऑल अल्कली मेटल्स
all alkali metals react with react with cold water and releases hydrogen from it. Alkali metal, compound of alkali metal basically all alkali metals react with cold water and releases hydrogen from it. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सोडियम है, एग्जांपल तो अल्कली मेटल जो ग्रुप वन में है उनमें से सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम का, सोडियम जैसे लिया हमने, सोडियम किसके साथ रिएक्शन किया, कोल्ड वाटर H2O के साथ रिएक्शन किया, और ये क्या बनाएगा, सोडियम रिएक्शन करेगा इसके साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और क्या रिलीज कर देगा, H2 हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। अब इसमें ये जो सोडियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, और इसका क्या है, +1, सबको पता है। यहां पर ये क्या होगा, ये +1, ये -2, ये +1 और ये -2, तो ये हो गया। और यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इसकी ऑक्सी, ये तो फ्री हो रहा है, ये फ्री हो जा रहा है, तो यहां पर ऐसा हो रहा है कि ये फ्री एक मॉलिक्यूल बन गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई, यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहां +1 से घट के 0 हो गई, और सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से इंक्रीज करके 1 हो गया, यानी सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, और ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया, सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया, यानी सोडियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहां पे, क्योंकि हाइड्रोजन को रिलीज करने के कामयाब हो गया। सो हियर NaH रिड्यूसिंग एजेंट, ये मेटल जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट, अल्कली मेटल है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सिंस इट डिक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, राइट। सो सिंस हाइड्रोजन रिलीजेज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द कंपाउंड एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दैट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक ही एग्जांपल हो गया। इसके अलावा कुछ और भी अल्काली मेटल के अलावा जो अर्थ अल्काली मेटल होती है, अल्कलाइन मेटल, वो भी रिएक्शन करते हैं, लाइक कैल्शियम जैसे है, ये रिएक्शन करते हैं कोल्ड वाटर से और ये भी हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। तो लिख लीजिए आगे, सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं, सेकंड पॉइंट में some alkaline earth metal like calcium, strontium, barium, right, react with cold water and releases hydrogen. They are very good reducing agent. How is this? Try to understand. अब कैल्शियम जो है वो रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, राइट, और रिलीज कर देगा क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो यहां पर ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, ये गैसेस स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो है वो क्या है, कैल्शियम की फ्री जीरो है, ये है प्लस टू, ये है प्लस वन, यहाँ पे इसकी हो गई कितनी, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन, ये हाइड्रोजन की तो जीरो हो गई, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे कैल्शियम की प्लस टू, ठीक है। और ये अब इसको बैलेंस पहले कर लेते हैं, सब बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, इधर में ऑक्सीजन एक है, तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन दो चाहिए, और दो चाहिए तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ऑक्सीजन हो जाएगा और चार हाइड्रोजन हो जाएगा, चार हाइड्रोजन इधर भी है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, लेकिन हाइड्रोजन तो आपको चाहिए CaOH2, पहले से ऑक्सीजन यहाँ पे दो था और यहाँ पे दो है, ठीक है। तो ये दो दो बैलेंस हो गया, देखिए चार हाइड्रोजन यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, चार है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका माइनस टू, इसका प्लस वन, ये तो हो ही गया, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा कितना, तो ये हो जाएगा माइनस फोर, और यहाँ से प्लस टू, और यहाँ से प्लस टू प्लस फोर, तो ये भी फ्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलेंसिंग हो गया, और यहाँ पे कैल्शियम जो है इसको, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर रहा है, डिक्रीज करा रहा है, डिक्रीज कर रहा है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए कैल्शियम इज हेयर, कैल्शियम इज एक्ट एज, कैल्शियम इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो ऊपर लिखा है, क्योंकि इट डिक्रीज, इट रिलीजेज, इट रिलीजेज, इट रिलीजेज, हाइड्रोजन एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो मेटल, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां भी हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, इसके अलावा कुछ ऐसे भी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, ये स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ये भी हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, सम लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल जो कोल्ड वाटर से, लेस रिएक्टिव होता है इसलिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ स्टीम एंड रिलीजेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, गैस डाइहाइड्रोजन भी लिखते हैं हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को अगर रिएक्ट करें, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये रिएक्ट करे हॉट वाटर के साथ, यानी कुछ टेम्परेचर दिया जाए स्टीम के साथ, ये तो स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जीरो है, यहां पे ये प्लस वन माइनस टू, और यहां पर ये प्लस वन, ये माइनस टू, माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, और यहां प्लस टू है तो ये प्लस टू, ठीक है, यहां पे ये जीरो। तो मैग्नीशियम का यहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिप्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे क्या, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं ये ले लूं कि आयरन है, आयरन को भी अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन करें और इसे स्टीम के साथ टेम्परेचर देंगे तो स्टीम के साथ रिएक्शन करें, ये गैसेस स्टेज में होता है, स्टीम जो है वो हॉट वाटर, यहाँ पे ये फ्री है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जरा दूसरे कलर से करते हैं, तो ये जो है वो फ्री है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, इसका प्लस वन, इसका माइनस टू, और यहाँ पे बनेगा क्या, Fe2O3, राइट ना, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पे भी। तो ये जब अब इसमें रिलीज होगा तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, जीरो से बढ़ के ये माइनस टू, माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, ये प्लस थ्री हो गया और ये क्या हो गया, जीरो। तो यहां पर भी चूंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं इसलिए दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है,
नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें से डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि न तो हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं जी, न स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, हॉट वाटर के साथ भी, कोल्ड वाटर के साथ भी, न तो स्टीम के साथ, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ऐसे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और एसिड के साथ रिएक्शन करके और क्या बनाते हैं, फिर वो रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो सम मेटल्स ऐसे हैं जो न तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, न वो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, बल्कि वो रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ और वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, रिलीज करते हैं। तो ऐसे को हम कहेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आइए कुछ एग्जांपल देते हैं। तो ये चौथी पॉइंट हो गई हमारी कि सम ऑफ सम मेटल्स मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड रिलीजेज हाइड्रोजन गैस, रिलीज हाइड्रोजन गैस, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्शन कराऊं मैग्नीशियम का HCl से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, राइट। ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी +1 है, इसकी -1 है, यहाँ पे ये -1 और ये हो गया +2 और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। MgCl2 यानी ये बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए, 2HCl, तो ये हो गया, दो हाइड्रोजन रिलीज हो गया। इस तरीके से यहाँ पर जो ये मेटल है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, मेटल जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं आप चाहे तो, Zn+HCl ये बना देगा ZnCl2+H2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी आपने तो कहा था कि मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ और स्टीम के साथ जो रिएक्शन नहीं करते हैं वही करते हैं एसिड के साथ। नहीं, कुछ ऐसे भी हैं कि जो नहीं करते और करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे मैग्नीशियम अभी पीछे हमने कहा था वो स्टीम के साथ भी रिएक्शन करता है और एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है। ये Zn जो है वो क्या है, ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता लेकिन एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और ये जो है ये Zn क्लोराइड बना करके और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0, +1, -1, ये हो गया -1, ये हो गया +2, तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होती है। इसी के तरह आप आयरन को कर सकते हैं, आयरन जो है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके Fe2Cl3 बनाएगा, है ना, Fe2Cl3, और इस तरीके से हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज होगा, ये फेरिक क्लोराइड बनाएगा। अब इसमें यहाँ पे बैलेंस हमने किया नहीं है, इसको भी बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे दो चाहिए क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन दो रिलीज हो रहा है लेकिन क्लोरीन यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 क्लोरीन हो जाएंगे और हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए, 3, सॉरी ये भी बनेगा FeCl2 ही बनेगा, फेरस क्लोराइड बनेगा, फेरिक क्लोराइड नहीं बनेगा, ये फेरस क्लोराइड बनेगा तो FeCl2 बनेगा, सॉरी ये सिंबल हम जरा चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें, FeCl2 बनेगा, और FeCl2 बनेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमें 2 ही लिखना चाहिए, 2, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर भी ये 0 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, -1, ये हो गया +2, ये हो गया -1 और ये 0। तो यहाँ पर दीज आर, यानी यहाँ पे इन दिस दीज अबव इक्वेशंस वी कैन से मैग्नीशियम जिंक एंड फेरस आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड दे आर एबल टू रिलीज द हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो जैसे सिल्वर और गोल्ड जो हैं ये रिएक्शन नहीं करते, जैसे सिल्वर है Ag, गोल्ड Au, do not react with hydrochloric acid, react with
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब जैसे मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि मेटल, एक मेटल दूसरे मेटल के मुकाबले, जैसे जिंक, कॉपर, और हम इसकी बात करें कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, और ये कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर, तो इनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है और जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह से नॉन मेटल में भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज किसके लिए, मेटल के लिए। तो नॉन मेटल में भी फ्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से, इनसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ये हैलोजन सीरीज है, आपको पता ही है हैलोजन सीरीज है, हैलोजन इनको कहे जाते हैं, और इसमें फ्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, ये ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। तो इनकी भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। फ्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन के और ब्रोमीन और आयोडीन के मुकाबले, इसलिए ये जल्दी से इनको डिस्प्लेस कर सकता है। क्लोरीन जो है अपने नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। ये सब पीरियोडिक टेबल में, ये कौन से ग्रुप में है, इन पीरियोडिक टेबल ये ग्रुप नंबर 17 में है, ये सब ग्रुप नंबर, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, ये सारे हैलोजन 17 के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और ये 27, क्लोरीन जो है वो 17 होता है, इसका 287। तो इसी तरह से इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सब ग्रुप 17 में आते हैं। तो ग्रुप 17 में जो है इनकी ऊपर से अगर नीचे की ओर जाएं, जैसे ऊपर में फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन है, तो इनकी ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होता जाता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज होगी, ये डिक्रीज करेगा, ऊपर ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे लेस रिएक्टिव है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी जो होती है वो इस तरह की होती है। तो हमने जैसा कहा कि फ्लोरीन जो है, तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन जो है ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, ये इनकी रिएक्टिविटी है, और इस रिएक्टिविटी के जरिए ये जो है वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करने का काम करते हैं। फ्लोरीन तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो वाटर पे रिएक्शन करके, वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर पे अटैक करता है और ऑक्सीजन को भगा देता है वहां से। फ्लोरीन रिएक्ट विद फ्लोरीन, फ्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर एंड डिस्प्लेस्ड ऑक्सीजन फ्रॉम इट, ऑक्सीजन फ्रॉम इट, ठीक है। ये पांचवा पॉइंट आप समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या करेगा, वाटर ये है H2O, इसमें हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करें तो ये फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है HF और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन गैस दो होने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फ्लोरीन यहाँ पे कितने होने चाहिए, यहाँ पे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो ये बन गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ 4 होना चाहिए, 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 फ्लोरीन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो जाने की स्थिति में अब क्या है कि यहाँ पे ये पहले जो है ये भी मॉलिक्यूल था, 0 था, यहाँ पे भी 0 था, अभी ये स्टेज इसकी क्या है, इसमें जो है मॉलिक्यूल में, इसमें अगर वैसे टोटल 0 है लेकिन बेसिकली इनका जो एटॉमिक नंबर है इसका क्या है, -2, ये क्या है +1, ये क्या है 0, यहाँ से बढ़ के ये हो रहा है +1, ये क्या हो रहा है, ये -1,
और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, जीरो, यानी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन जो है वो फ्री हो रहा है, ऑक्सीजन चूंकि फ्री हो रहा है तो इसलिए ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और हमने कहा था कि कुछ केसेज में हाइड्रोजन रिलीज होती है, कुछ केसेज में, रेयर केसेज में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, चूंकि ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को भी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, सिंस ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम दिस रिएक्शन, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी हुआ, और इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि -2 से क्या हो रहा है, जीरो, तो -2 से जीरो हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये रिड्यूस कर रहा है कौन सा, इसमें से वाटर के साथ इसमें रिड्यूस कर रहा है कौन, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ जीरो था यहाँ -1 हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसी भी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, चूंकि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इसलिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं और ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस कर सकता है, और यहाँ करके दिखाया आपने, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर देता है, तो उसके भी कुछ एग्जांपल देख लें। ये क्लोरीन गैस जो है वो अगर पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करे तो ये बना देता है, ब्रोमीन को रिलीज कर देगा, ये पोटेशियम क्लोराइड बना देगा और ब्रोमीन को रिलीज कर देगा, ठीक है, ब्रोमीन को रिलीज कर देगा। इसको भी हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2Br2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2K हो गया तो यहाँ पे 2KCl ये हो गया। ऐसी स्थिति में अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, ये जीरो है, यहाँ पे ये +1 है, ये -1 है, ये +1, ये -1 और ये जीरो, तो इस तरीके से यहाँ पे रिलीज हो जा रहा है। ये कैल्शियम जो है, क्लोरीन जो है, OKI पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करे तो भी ये बना देगा क्या, पोटेशियम क्लोराइड, और आयोडीन गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, तो आयोडीन रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन रिलीज हो जाएगा। आयोडीन सॉल्यूशन में इक्वस रहता है, बेसिकली ब्रोमीन और आयोडीन इक्वस स्टेट में होता है, ये गैस नहीं होती, ठीक है ना, तो ब्रोमीन गैस भी होती है कई बार, लेकिन ये बेसिकली जो होता है वो क्या होता है, इक्वस स्टेट में रहता है ब्रोमीन, और लिक्विड स्टेट में रहता है ये पूरा का पूरा। आयोडीन जो है ये सॉलिड स्टेट में रहेगा और ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, यहाँ पे ऐसे रिएक्शन होंगे। तो और यहाँ पे भी अगर हम इसको बैलेंस करें तो क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे Cl2 होने की वजह से, और यहाँ 2K हो गया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोडीन 2 हो गया, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका, ये +1, इसका -1, इसका 0, इसका फिर क्या हो रहा है, -1, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा, इसका +1 और आयोडीन रिलीज हो रहा है। तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है, इस रिएक्शन में आपने देखा कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकता है, इसलिए ये सब भी है, दीज आर ऑल्सो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है ये कलर्ड सॉल्यूशन होते हैं, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 में रिएक्शन करने के साथ ये कलर के आधार पे पहचाने जाते हैं, और कलर के आधार पे इनको आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को लेयर टेस्ट कहते हैं, ठीक है ना, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है सारा, इसका ज्यादा डिटेल अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानने की जरूरत है कि कलर के आधार पे हम ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्टिंग्विश करने का जो टेस्ट होता है उसको हम लेयर्स टेस्ट कहते हैं, LAYER लेयर्स टेस्ट कहते हैं, और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ रिएक्शन करवा करके, और इसके साथ हम कलर के आधार पर डिस्टिंग्विश करते हैं कौन सा ब्रोमीन है कौन सा आयोडीन है। तो
तो चूंकि ये दोनों ही कलर्ड होते हैं तो उनकी कलर के आधार पर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको कहते हैं लेयर टेस्ट, इतना जानने की जरूरत है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात हुई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और दोनों किस तरह से मेटल और नॉन मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट में मेटल को डिस्प्लेस करने के लिए फ्री मेटल चाहिए होता है, और यहाँ पे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करने के लिए उन्हीं का कई बार नॉन मेटल ही नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, कई बार मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो आप दो तरह का इसमें भी देख सकते हैं, और इसके साथ ही ये जो है आज का क्लास खत्म होता है, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ ही एक बेल है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बार बार नोटिफिकेशन आती रहेगी। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं चाहते तो उस बेल को नहीं क्लिक करेंगे, बेल नोटिफिकेशन चाहते हैं जब भी नया वीडियो अपलोड हो ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो बेल को क्लिक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग। अगली क्लास में मिलते हैं और अगले तरह की बात करते हैं, आगे से बात करते हैं। गॉड ब्लेस।